हेलो दोस्तों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका ये लेक्चर नंबर 16, आई थिंक लेक्चर नंबर 16 है। इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने जो बात की थी वो किसके बारे में बात की थी आपको पता है? हमारा इसके पहले का जो टॉपिक था वो क्या था आपको दिख रहा है? ये विद्युत क्षेत्र रेखा, जैसे आपको ये दिख रहा है टॉपिक अपना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं पूरा। इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है सब कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डायपोल, ध्यान रखना। जिसके बारे में बात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। मैं यहाँ पे खाली पेज में आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये हमें बात करनी है, ये किसको कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। अगर आपको बोले ना विद्युत द्विध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव, दो ध्रुव। इसमें क्या होता है एग्जैक्टली? हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे एक हमारे पास है प्लस क्यू चार्ज और एक हमारे पास क्या है? माइनस क्यू चार्ज। दो चार्ज है बच्चों यहाँ पर, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इस प्लस क्यू और माइनस क्यू, इनके बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस है, थोड़ी सी इनके बीच में क्या है? डिस्टेंस है। इनको इनसे मिलाया ना जब मैंने, ये डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं 2a। क्या बोलते हैं? 2a डिस्टेंस, और बहुत अल्प डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये आपका क्या बन गया? ये हमारा बन गया विद्युत द्विध्रुव। के दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हो तो वह मिलकर विद्युत द्विध्रुव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यहाँ देखो, अब आपको परिभाषा दिखेगी यहाँ पर, ये देखो आप, ये अपने परिभाषा में आपको दिखा देता हूँ। आइए, जब परिमाण में समान, यहाँ लिखा हुआ है, जब परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति वाले दो आवेश अति अल्प दूरी पर होते हैं तो इस आवेश युग्म को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर ध्यान रखना कैसी दूरी है? अति अल्प। इसको मैं रेड मार्कर से कर लेता हूँ, कैसी दूरी है? अति अल्प, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा। तो जैसे देखो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना? यहाँ पर देखो 2a दिख रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, ये मैं लाल कर रहा हूँ ना, ये लाइन, इसको कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। क्या कहते हैं? द्विध्रुव का अक्ष इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस। और जो ये जो होता है इसके परपेंडिकुलर लाइन, ये जो मैं कर रहा हूं, इसको कहते हैं हम लोग निरक्ष, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं इक्वेटर, EQUATOR, इक्वेटर, या इसको कहते हैं निरक्ष। तो उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं अक्ष, और इससे लंबवत गुजरने वाली रेखा, ये जो ओ है, इस ओ को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं इसको? इसको केंद्र कहते हैं। आपको शायद इस मार्कर से दिख नहीं रहा, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। क्या कहते हैं इसको? इसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका द्विध्रुव है। तो क्या परिभाषा हो गई? जब परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति वाले दो अल्प आवेश अति अल्प दूरी या अत्यल्प दूरी पर स्थित हो तो इस आवेश युग्म को क्या कहते हैं बच्चों? इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर देखो नीचे लाइन लिखी हुई है, दोनों आवेशों को, एक सेकंड, ये रहा, यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है, आप दिख रहा होगा आपको कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? द्विध्रुव का अक्ष, तथा इनके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के लंबवत रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। आई बात समझ में? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, तथा द्विध्रुव के केंद्र से गुजरने वाली द्विध्रुव अक्ष के लंबवत रेखा को क्या कहते हैं? निरक्ष कहते हैं। अब आगे आ जाओ,
आगे हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये आ गया दो, ठीक है। इसके बाद आ गया अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब तक हमने किसकी बात की? विद्युत द्विध्रुव की। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। यहां पर मैं बात करूंगा, नया जो टॉपिक है वो क्या है अपना यहां पर, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या हो इसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल और मोमेंट। आपको दिख रहा होगा शायद, आई थिंक अच्छे से पूरी बात यहां पे मैं लिख रहा हूं। क्या होता है ना, इस विद्युत द्विध्रुव की अगर बात करें, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका अगर मेरे को जब भी प्रभाव निकलना है कि कितना प्रभाव है, कितना विद्युत क्षेत्र बनाएगा, तो वहां पर इसके प्रभाव के लिए हम एक शब्द पढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसी भी द्विध्रुव का, इसको पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं? पी से। किसी भी द्विध्रुव का जो आवेश है कितना क्यू, प्लस हो या माइनस हो समान होता है, मेरे को केवल परिमाण चाहिए क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2a। तो q इंटू 2a, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आई बात समझ में? ध्यान रखना क्या हो गया, q इंटू 2a ये जो हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p बराबर q इंटू 2a, मतलब क्या हो गया यहां पर देखो, इसको और डिटेल में यहां पर समझाता हूं, ये ब्लैक इंक के द्विध्रुव के एक आवेश के परिमाण इंटू उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q इंटू टू। आपको पूरी बात समझ में आ गई? एक तरफ हमको क्या लेना है? Q लेना है, एक तरफ क्या लेना है? 2A लेना है। आप देखो इधर, यहां पर देखो, हमको दिखाता हूं क्या लिखा है कि विद्युत द्विध्रुव दिख रहा है, विद्युत द्विध्रुव के, इसके लिए मैं आपका यूज कर लेता हूं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा इनके मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण, और इसे पी से व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखना एक सदिश राशि है, पी के ऊपर मैंने, यहां देखो मैं इसको कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, पी के ऊपर मैंने क्या लगाया? सदिश का चिन्ह लगाया, क्योंकि इसको पी सदिश से व्यक्त करते हैं, सदिश राशि है। और जो इसकी दिशा की बात भी करूंगा, इसको हमेशा आप देखो नीचे फॉर्मूले के रूप में लिखा हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा नीचे मैंने लिखा है ना, यहाँ देखो पूरा हो गया, पी बराबर क्यू इंटू टू ए, आपको दिख रहा होगा क्यू इंटू टू ए, और साथ में क्या आ गया? पी कैप, इधर गिरेगा, रेड मार्कर ले लेता हूँ वापिस, आपको दिख गया होगा ये आ गया ना, ठीक है। इसकी दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋण आवेश से क्या होती है? धन आवेश होती है, समझना। आप देखो इधर आ जाओ, मैंने क्या बताया, कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। P बराबर क्या हो गया? Q इंटू टू ए। कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। जब भी इसकी दिशा लूंगा, जैसे ये माइनस क्यू और ये क्या हो गया? प्लस क्यू, तो P की जो दिशा होगी ना, वो हमेशा माइनस से प्लस, यहां से चलेगी इधर की ओर, माइनस से प्लस। तो P की दिशा इसके अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर कोई आपको बोले इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक अगर आपको निकालना हो, इसका मात्रक आप बता सकते हो मुझे, क्यू का मात्रक क्या होगा? कूलाम। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। तो इसका मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। और डायमेंशन बहुत आसान है, कूलाम के लिए क्या होती है? A1 T1, और दूरी के लिए क्या हो गई? L1। ये इसका क्या आ गया? विमीय सूत्र या डायमेंशन। आई बात समझ में? मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। और डायमेंशन क्या हो गई? A1 L1 T1। ये आप लोगों ने देख लिया। अब आगे आ जाओ, आगे दिखाता हूं आपको और बातें। आपको दिख गया होगा यहाँ पर, ये आपको समझ में आ गया, विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव अक्ष की अनुदिश ऋणावेश से धनावेश, और इस मात्रक भी आपको दिख गया कूलाम इनटू मीटर। वापिस अगेन लाल मार्कर ले लेगा,
यहाँ पे लाल मार्क करें, ठीक है। मात्रा क्या हो गया, गुलाम इंटू मीटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ चीज़ों को, ताकि आपको लिखने में स्मॉल हो। एक सेकंड पहले मैं थोड़ा सा इसको आपको वापस लिखने में क्या होगी आसानी होगी, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसको बाद में इरेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं मार्कर के ऊपर। अब देखो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश सदैव शून्य होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल पूछ लें विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होगा, क्योंकि इसमें एक क्या होता है, इसमें एक होता है प्लस क्यू और दूसरा क्या होता है माइनस क्यू, दोनों को जोड़ेंगे कुल आवेश शून्य होता है। परंतु इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, क्योंकि Q तथा माइनस क्यू में, देख रहा आपको Q तथा माइनस क्यू में कुछ दूरी होती है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र जोड़े जाते हैं तथा यह एक दूसरे को निरस्त नहीं करते। समझो मैं आपको इसको डायग्राम में पूरा क्लियर करता हूं। जैसे यहां देखो मेरे पास एक आवेश है प्लस क्यू, एक आवेश है माइनस क्यू। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट में देखो क्या होगा, ये प्लस वाला भी यहां कुछ क्षेत्र बनाएगा, माइनस वाला बनाएगा, दोनों का जब नेट क्षेत्र निकालूंगा तो क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 प्लस E2। और ये कभी भी एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे, ऐसी बहुत कम सिचुएशन आएगी, मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं आती, इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो दोनों आवेश है वो अलग अलग जगह है, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। दोनों आवेश क्या है, अलग अलग जगह है, इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या है, दूरी है। इसी कारण से इनका क्षेत्र कभी भी जीरो नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो क्या पॉइंट था कि इनका कुल आवेश सदैव क्या होता है, शून्य होता है, परंतु इनका विद्युत क्षेत्र नहीं होता। इसको मैं ना हाईलाइट कर लेता हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इसके बारे में और चर्चा हम लोग करते हैं। देखो अब ये एक डेरिवेशन है और ये डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो डेरिवेशन, एक ये और एक हम और पढ़ेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको मैं यहाँ पर ये कर लेता हूँ, कैसा डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ। अब मैं लिख लेता हूँ इसको, डेरिवेशन कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, मैंने अभी क्या बताया कि विद्युत द्विध्रुव कभी भी अपना क्षेत्र निरस्त नहीं करता है, कुल क्षेत्र कुछ ना कुछ बनाता है। इसका नेट आवेश भले ही जीरो हो, पर फिर भी कुछ ना कुछ क्षेत्र क्या करेगा, ये बनाएगा। इसको समझते हैं, मैं आपको नए पेज के ऊपर सारी चीजें आपको बताता हूँ, एक मैं नया पेज ले लेता हूँ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र। कौन बना रहा है विद्युत क्षेत्र, बना रहा है द्विध्रुव, हम विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र कभी भी जीरो नहीं होता। अब देखो जैसे मेरे पास ये माइनस क्यू आवेश है और एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, और ये इसका क्या है, अक्षीय रेखा, और इधर देखो ये क्या होगा, इसका निरक्षीय रेखा, और यहां पर इसका क्या है, सेंटर है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 2a। अब दो, एक तो हम क्या निकालेंगे, ये जो रेखा है इसको क्या कहते हैं, इस रेखा को हम कहते हैं अक्षीय रेखा, क्या कहते हैं इसको, अक्षीय रेखा, और ये जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं, निरक्ष रेखा।
तो दो अलग अलग पॉइंट है, एक इसके अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक इसके निरस्तीय बिंदु पर। तो हमारे पास अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है और निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी, ज्ञात करनी है। पहले मैं बात करूंगा अक्षीय रेखा पर, कैसे करेंगे देखो, इधर मैं आपको उस नोट्स के अंदर लेके चलता हूं। देखो हमारे पास क्या है, किसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र आवेश माइनस क्यू के कारण, मतलब पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र बन रहा है, प्लस क्यू के कारण बन रहा है, दोनों का मुझे कैसा करना है, सदिश योग। कैसा योग करना है, सदिश योग करना है, कैसा योग करना है, सदिश योग। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं अक्ष पर। माना कि बिंदु P द्विध्रुव के केंद्र से कितनी दूरी, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इसको मैं डायग्राम से समझाता हूं, देखो इधर डायग्राम बनाता हूं मैं इसको, देखो मैं एक और नया स्लाइड लेता हूं। हमारे पास क्या है, एक माइनस q आवेश, एक प्लस q आवेश, ये इसकी अक्षीय रेखा, यहाँ पे मैंने ले लिया मार्कर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका केंद्र है। इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस वाला विद्युत क्षेत्र बनाएगा, और नया वाला कर लेता हूं, प्लस वाला बनाएगा, तो प्लस वाला कहां बनाएगा, बाहर की ओर, ये E प्लस। माइनस वाला कहां बनाएगा, अंदर की ओर, ये E माइनस। इसकी अगर दूरी की बात करूं, ये दूरी कितनी है, देखो ये पूरी यहां से यहां तक की r है, ये वाला भाग कितना है, a है, और ये वाला भाग कितना है, पूरा कितना है, 2a। यहां से यहां तक o से लेके p तक कितना है, r है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, आपको दिखेगी r माइनस a। इस पूरे में से इस a को क्या कर दिया, घटा दिया। और अगर माइनस q की बात करूं तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस a। तो प्लस q की दूरी कितनी है, r माइनस a, माइनस q की दूरी कितनी है, r प्लस a। E प्लस बनेगा, E प्लस का फॉर्मूला क्या होगा, आपको पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। और E माइनस का फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। E प्लस मतलब प्लस क्यू के कारण, E माइनस मतलब माइनस क्यू के कारण। इनको हमें क्या करना है, हल करना है। देखो इधर, आप देखो इधर, आप देखो तो आप इस नीचे थोड़ा सा नीचे चलना पड़ेगा, एक सेकंड में, एक सेकंड, ये आ गया अपना, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये सब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, हाँ ओके। प्लस के कारण क्या आ गया, ये देख रहा आपको, ये प्लस क्यू के कारण के क्यू माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी, ये अपना प्लस क्यू है ना, ठीक है, और ये माइनस क्यू है, ये दूरी यहाँ पर, ये पी बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर बिंदु इस साइड है, मैंने जो बिंदु लिया था उल्टा कर दिया था। अब मैंने डायग्राम बनाया, उसमें इधर माइनस क्यू है, इधर क्या है, प्लस क्यू है, डायग्राम उल्टा है। अभी प्लस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू के कारण, देखो ना यहाँ पर, यहाँ पर ये P बिंदु है, इधर देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता, ये आपका P बिंदु है, ये आपका प्लस Q है, ये आपका माइनस Q है। मेरा डायग्राम था उसमें क्या था, इधर था माइनस Q, इधर क्या था प्लस Q, और यहाँ था बिंदु P। ये थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा मैंने इसे, देखो ठीक है। अब यहाँ प्लस वाला बना रहा है, प्लस वाला कहाँ है, बाहर की ओर, और माइनस वाला अंदर की ओर। प्लस वाले के कारण के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके कारण आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो ये प्लस वाला है ना, ये इससे कम दूरी पर है,
दूरी कितनी है आर माइनस ए, ये जो दूरी है ना ये कितनी है, ये आर माइनस ए, और ये जो दूरी नहीं है ये कितनी है आर प्लस ए। तो इसके कारण ज्यादा होगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाला घटाया, बड़े वाला कितना है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, छोटा वाला कितना है के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। के क्यू कॉमन आया वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां पर ए माइनस बी ए प्लस बी, आपने सूत्र पढ़ा होगा ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आर माइनस एर प्लस ए आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर पहले से यहां पर है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, यहां देखो मैं इसको रफ पेज में सॉल्व करता हूं, यहां देखो क्या था, यहां यहां पर देखो ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू कॉमन आ गया, पीछे क्या रह गया वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से के क्यू क्या आ गया कॉमन, लसब क्या आया जब देखो आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां क्या रह गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर के क्यू, बटे में क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या आ गया होल स्क्वायर। यहां क्या रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर माइनस, ब्रैकेट में क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए। देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए ये ए है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू आर ए, बाहर ब्रैकेट ओपन है। अब देखो यहां पर ई पी क्या हो गया के क्यू, नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए। अब बाहर ब्रैकेट है, साइन चेंज हो जाएंगे माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस टू आर ए, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, कितना रह गया के क्यू इंटू फोर आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने सॉल्व किया है, वहां सॉल्व नहीं किया हुआ है, आप इसको आराम से अच्छे से नोट कर सकते हो करना चाहो तो। अब मैं मेरी स्लाइड के ऊपर आ रहा हूं, स्लाइड के ऊपर आ रहे यहां आ गए अपन, तो इसको सॉल्व करने पाया ना। देखो यहां पर के क्यू इंटू फोर ए आर, ठीक है। अब आपको पता है P बराबर क्या होता है Q इंटू टू ए, P बराबर क्या होता है Q इंटू टू ए, तो ये Q इंटू टू ए, इस फोर ए को क्या लिखा मैंने टू इंटू टू ए, तो ये टू ए इसके साथ चला गया P इंटू क्यू इंटू टू ए क्या हो गया P हो गया, साथ में क्या रह गया R, और R के या R रह गया R के साथ क्या रह गया 2। इधर देखो इसको मैं आगे और सॉल्व कर लेता हूं, वहां पर उसी पेज के अंदर और इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां पर देखो EP is equals to K into Q into इसको लिखा 2A into 2R upon R square minus A square का whole square, और Q into 2A क्या बन गया P, तो EP बराबर K into P into 2R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, के इंटू पी इंटू टू आर। इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, इसको इरेजर करके मैं एक बार इरेज कर लूँ, फिर थोड़ा सही कर लेता हूँ, लाइन थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस कम है, यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अच्छे से बताएं। तो यहाँ पर क्या हो गया ई पी बराबर के इंटू पी इंटू टू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो नोट्स पे आ जाओ वापिस, देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पीडीएफ,
वापिस यहाँ दो, नीचे 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 नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ही आगे, यहाँ पर जी आ गया ना। हाँ क्या आ गया, 2kPr/r² - a² और r आपको पता है a से बहुत ज्यादा बड़ा होता है। r क्या होती है, r होती है ये जैसे डिस्टेंस क्या है, ये है 2a, ये माइनस q और ये प्लस q, ये तो डिस्टेंस होती है p बिंदु की सेंटर से, वो क्या होती है r, और इनके बीच की a बहुत कम होता है, a बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो a को मैंने इग्नोर कर दिया, तो अपॉन में क्या आ गया, r की पावर 4, r स्क्वायर का स्क्वायर, ऊपर r की पावर कितनी है, 1 है, 1 से 4 कट गया, कितनी रह गई 3, e बराबर 2kp / क्या आ गया, r क्यूब, और सदिश रूप में e वेक्टर बराबर 2kp / r क्यूब। अब वेक्टर कैसे आए देखो, ये माइनस q, ये क्या है प्लस q, ठीक है, देखो ये डायरेक्शन का देखो, ये अपना बिंदु क्या है p है, प्लस वाला कहां बनाएगा बाहर की ओर, और माइनस वाला कहां बनाएगा अंदर की ओर, प्लस वाला ज्यादा है तो दिशा क्या होगी बाहर की ओर, और P की दिशा भी तो यही होती है माइनस से प्लस, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या है बाहर की ओर, इसीलिए इस E और P की दिशा क्या होती है समान होती है, तो P की दिशा माइनस Q से प्लस Q के अनुदिश होती है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, समझना है, पूरा डेरिवेशन मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे से वीडियो को देखना, मैं यहाँ पर चीजों को सरल करने के लिए मैं ये आप लोगों के लिए लाया हूँ, आपको इसमें अगर कुछ लगता हो हम इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट करें, और आप लोगों के ये नोट्स भी है, आपको नोट्स भी यहीं से बनाने हैं, जो नोट्स है ना ये नोट्स ही हैं, यहीं से नोट्स बना सकते हैं, और आपको लगता है कोई चीज कम पेशी है तो मैं उसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ये देखो मैंने यहाँ पर जो भी चीजें मैंने इसको पूरा क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, इस डेरिवेशन के अंदर जो गुणा भाग थी मैं यहाँ पर आपको कर चुका हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आया, आपको क्या करना है, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना, और अब से आप लोगों के डेली 6 दिन वीडियो आएंगे, इससे अपना क्या होगा, थोड़ा सिलेबस भी क्या होगा जल्दी कंप्लीट होगा, तो कोशिश रहेगी मैं ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कंप्लीट करूं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जहां पे आपको मैं इसके आगे वाले पार्ट की बात करूंगा और कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके ऊपर, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर। थैंक यू सो मच बच्चों, खुश रहो और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमें देते रहे, थैंक यू बच्चों।